Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of 8th class, how are you all? I hope you are good and safe. Students, this is our lecture number 3. We are doing our unit number 1, The Savior of Mankind. Let's see its paragraph number 7. Since this belief was threatening their dominance in the society. चूँकि ये अकीदा मुआशरे में सिंस चूँकि दिस बिलीव ये अकीदा थ्रीटनिंग ख़तरा था देयर डोमिनेंस उनके कब्जे का उनके तसल्लुत का इन द सोसाइटी मुआशरे में कहने का मकसद ये है कि हमने पहले ये पढ़ा कि अल्लाह ताला ने 38 ईयर्स में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेडिटेशन में रहते थे गारे हिरा में उस दौरान जब आप 40 साल के हुए तो अल्लाह ताला ने आप पर वही नाजिल की और ये तमाम सिलसिला जारी रहा तकरीबन 23 साल के अरसे तक और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इजहार अरब के लोगों में अपने इर्द गिर्द के लोगों में किया तो वो लोग जो हैं वो आपके लिए मतलब ख़तरा बन गए कहते हैं कि सिंस दिस बिलीव वॉज थ्रीटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी अब ये जो अकीदा था ये अकीदा क्या वननेस ऑफ गॉड तौहीद का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तबलीग का सिलसिला शुरू किया और एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देना शुरू किया तो इसमें क्या हुआ ये अकीदा जो है वो उस मुआशरे के लिए उन ख़तरा जो है वो बन रहा था द पैगन अरब स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स ये अकीदा मुआशरे में उनके तसल्लुत उन ये कौन है किसके तसल्लुत के लिए ख़तरा पैदा कर रहा था ये अरबों के लिए जो काफिर थे उन लोगों के लिए अरब कुफारे अरब ने क्या किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया ठीक है यानी आपको तकलीफ़ें देना शुरू कर दी दे वांटेड देम टू रिनाउंस वो चाहते थे कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी जो हैं रिनाउंस फिर जाएँ दस्बरदार हो जाएँ देयर काज अपने नस्बुलैंड से एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग और बुत परस्ती इख्तियार कर लें ठीक है वो चाहते थे कि वो लोग अपने नस्बुलैन से फिर जाएं और बुत परस्ती शुरू कर दें ऑन वन ओकेजन एक मौका पर दे सेंट अ डेलीगेशन एक मौका पर उन्होंने एक डेलीगेशन एक वफ्द भेजा टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड एंड केयरिंग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और केयरिंग अंकल ख्याल रखने वाले चचा हज़रत अबू तालिब के पास कहते हैं एक मौका पर कुफार अरब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और ख्याल रखने वाले चचा के पास एक वफ्द भेजा दे टोल्ड हिम उन्होंने हज़रत अबू तालिब से कहा यानी उनके चचा हज़रत अबू तालिब से कहा टू रिस्ट्रेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह ऑलमाइटीज़ मैसेज उन्होंने कहा कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के पैगाम को फैलाने से उनको मना करें और फेस देयर एनिमिटी अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनकी दुश्मनी को का सामना करने का हौसला पैदा करें या उनके दुश्मनी का क्या कर सकते हैं उनको सामना करना पड़ेगा फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डायलेमा खुद को एक पेचीदा सूरत हाल की हालत में पाते हुए डायलेमा कहते हैं मुश्किल सूरत हाल में फाइंडिंग हिमसेल्फ उन अपने आप को एक मुश्किल सूरत हाल में पाते हुए ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू आप जो हैं यानी कि हज़रत अबू तालिब ने अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन और उनको वो तमाम सूरत हाल से आगाह किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया माई डियर अंकल मेरे प्यारे चचा जान इफ़ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड अगर ये मेरे दाएँ हाथ पर सूरज रख दें एंड द मून इन माई लेफ्ट और बाएँ हाथ पर चांद लाकर रख दें इवन देन आई शेल नॉट एबंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह तौहीद कहते हैं तो मैं फिर भी खुदा की वहदानियत के बाज़ाब्ता ऐलान को तर्क नहीं करूँगा हाँ जी उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे प्यारे अंकल अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद भी लाकर रख दें तो मैं फिर भी अपने इस पैगाम को अल्लाह के वहदानियत यानी तौहीद के बाज़ाब्ता ऐलान को तर्क नहीं करूँगा आई शेल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ और पेरिश इन द अटैम्प्ट मैं आई शेल सेट अप मैं क्या बनाऊँगा ट्रू फेथ
पुख्ता अकीदे को ज़मीन पर, यानी मैं अल्लाह का पैगाम जो है वो इस दुनिया में फैलाऊंगा और पेरिश इन द अटेम्प्ट, इस कोशिश में पेरिश तबाह हो जाऊंगा, इन द अटेम्प्ट इस कोशिश, यानी मैं अपने इस इरादे से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल वाज सो इम्प्रेस्ड विद हिज नेफ्यूज फर्म डिटर्मिनेशन दैट ही रिप्लाइड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो हैं वो अपने भतीजे के इतने मजबूत इरादे, फर्म डिटर्मिनेशन कहेंगे पुख्ता इरादे को, से बहुत मुतासिर हुए। दैट ही रिप्लाइड, तो उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो दाय वे, तुम अपना काम करो, नन विल डेयर टच दी, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, आई शैल नेवर फॉरसेक दी, तो मैं कोई तुम्हें हाथ लगाने की जुर्रत नहीं कर सकता, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी तनहा नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह आलमाइटी हैड चोजन फॉर हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर जिसका इंतखाब अल्लाह ताला ने नूह इंसानियत के लिए किया था चलते गए, ठीक है, गो द वे, उस रास्ते पर चलते गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला ने आपके लिए चूज़ किया था, इम्ब्योर्ड विद डिवाइन गाइडेंस एंड फर्म रिजॉल्व, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस विद ग्रेस एंड डिग्निटी, कहते हैं कि इम्ब्योर्ड विद डिवाइन गाइडेंस, और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई की, अल्लाह ताला की रहनुमाई और पुख्ता इरादे से सरशार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चैलेंजों का मुकाबला खुशसलूकी और बावकार तर्ज अमल से किया। इन नो टाइम, और कुछ ही अरसे में, ही एलिवेटेड मैन टू द हाइएस्ट पॉसिबल लेवल इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स, और थोड़े से अरसे में या मुख्तसर अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को, अच्छा जी, कुछ ही अरसे में रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में इंसान को बुलंद तरीन मुमकिन सतह पर पहुँचा दिया, ठीक है, यानी कि इंसान जो है वो एक जहलियत में या गुमराही में डूबा हुआ था, उन तमाम खलफशार से निकाल कर अल्लाह ताला ने इंसान को ये तमाम ताकत दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कि वो एक रूहानी उनको ताकत जो है वो उनको मिल गई। ही वाज आल्सो अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट विच हैव क्रिएटेड एंड एवर लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन ह्यूमन हिस्ट्री। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों की फतुहात की पुश्त पर एक मुहर्रक कुव्वत थे जो इंसानी माशरे पर कभी ना ख़त्म होने वाले तस्सुर को वजूद में लाई। यहाँ तक आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये डिफ़िकल्ट पैराग्राफ है, इनको कम्प्रिहेंशन में थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन जब आप ये बार बार ये वीडियो लिसन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये ईजीली कॉम्प्रिहेंड हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम यहाँ तक एक्सरसाइज को हम देखेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।